कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम की तैयारी? मैं प्रकाश मिश्रा एक बार और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग फिजिक्स पे। न्यूक्लियर फिजिक्स दैट इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई का पार्ट टू वीडियो आज हम लेके आए हैं। अगर आपने पार्ट वन न्यूक्लियाई का नहीं देख रखा है तो आप पहले न्यूक्लियस के पार्ट वन वीडियो को देख लीजिए, ताकि रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा इमिजन और बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस का आपका क्लियर हो जाए। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले तो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन की, जिसको हम लोग रदरफोर्ड सोडे डिके लॉ भी कहते हैं या फिर नॉर्मली डिके लॉ भी कहते हैं, कि कैसे किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा बीटा गामा निकलती है रेडिएशन, तो पार्ट वन में मैंने बात कर रखा था कि उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कितना फर्क पड़ता है, कैसे उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज हो जाता है। इस वीडियो में हम रेट लॉ का एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, या फिर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला लेके आने वाले हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि कैसे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स की नंबर यानी काउंटिंग में चेंज करने से या टाइम को चेंज करने से कैसे पूरा वेरिएबल, कैसे इक्वेशन चेंज होता है। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन को। देखिए, आपको पता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं बात कर रहा हूं डिसइंटीग्रेशन की। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इससे निकलना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स का फ्लो होना, न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स का बाहर आना। अब एक बात बताओ आप, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? उतना ही फास्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपने कभी वो पानी का टंकी देखा हो, छत के ऊपर होती है ना पानी की टंकी, तो अगर पानी की टंकी पूरी भरी हो तो नीचे आप जब टैप को ऑन करोगे, नल को ऑन करोगे, तो रेट ऑफ फ्लो, पानी का निकलने का रेट फास्ट होगा या कम होगा? बिल्कुल सही, फास्ट होगा। तो सोचो जितना ज्यादा टंकी के अंदर, जितना ज्यादा उस कंटेनर के अंदर वाटर है या लिक्विड है, उतना ही ज्यादा फास्ट फ्लो हो रहा है टैप से। तो उसी तरह न्यूक्लियस में जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन उतना ही फास्ट होगा। क्लियर है? तो इसका एक मतलब हुआ कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी आपका dN by dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब dN by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मान लो आप इस न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? n न्यूक्लियॉन्स हैं। तो जो dN by dt होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट दोगे, तो ये dN by dt इक्वल टू आप लगा दो माइनस लैम्डा एन। ये माइनस आप यहां भी लगा सकते हो, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स बाहर आ रहा है, तो निकलने को, बाहर आने को हमने माइनस लगा के डिनोट किया है। अब आप एक काम करो, इस कांस्टेंट को इधर करो, dt को, तो और n को एक साथ कर दो, मतलब वेरिएबल्स को एक साथ कर दो n वाले, तो dN by n आप ऐसा लिख सकते हो और ये आपका हो जाएगा माइनस लैम्डा dt। क्लियर है? अब आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का टर्म है, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप लिख दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है? तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन dN by n इक्वल टू माइनस लैम्डा, कॉन्स्टेंट फॉर्म में बाहर, इंटीग्रेशन dt। क्लियर है? देखो ये 1 by n है, तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, log n हो जाएगा,
क्योंकि 1 बाई एक्स का लॉग एक्स आपने पढ़ा होगा, तो 1 बाई एन का क्या हो गया लॉग एन, और इधर माइनस लैम्डा डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आपने ऐड कर दिया सी। क्लियर है यहां तक? अब एक बात आप सोचो, ये जो n था, n नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कब था, जब टाइम आपका t था, टाइम जब t था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है n, और इफ टाइम इक्वल टू जीरो, इनिशियल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अगर t की वैल्यू जीरो हो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n नॉट। मान लो कि जब हम टी जीरो लेते हैं तो उस समय हमारे न्यूक्लियस के अंदर टोटल ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियॉन्स कितना है, एन नॉट है, समझ रहे हो। अब आप इस वैल्यू को यहां पे पुट कर लो अपने फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते ही आपको क्या मिलेगा, लॉग ई बेस एन जगह पे आपने n नॉट रख दिया, माइनस लैम्डा इनटू t के जगह आपने जीरो रख दिया प्लस c, तो फिर c की वैल्यू आपको मिल गई, क्योंकि ये तो हट गया टर्म, जीरो हो गया, तो c की वैल्यू मिल गई log e बेस n नॉट। क्लियर है? अब आपके पास c यानी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू आप c के जगह पे, C की वैल्यू आप C के जगह पर पुट कर दो। यहां पे आप देख सकते हो इस वैल्यू को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, यहां कंसंट्रेट करो आप, ठीक है? इस इक्वेशन में क्या इक्वेशन है आपका, लॉग E बेस N इक्वल माइनस लैम्डा T प्लस C, तो इस कांस्टेंट के जगह पे, C के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, लॉग E बेस एन नॉट। क्लियर है? अब लॉग वाले टर्म को, दोनों लॉग वाले टर्म को आप एक तरफ शिफ्ट कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको, लॉग ई बेस एन माइनस लॉग ई बेस एन नॉट इक्वल माइनस लैम्डा टी। लॉग के फॉर्मूले से आप जानते हो, लॉग ई बेस एन बाई एन नॉट, क्लियर है, इक्वल माइनस लैम्डा टी। आप जानते हो इधर से लॉग हटेगा तो इधर आके एक्सपोनेंट बन जाएगा, ई बेस बन जाएगा, एंटी लॉग, तो ये आपका हो जाएगा एन बाई एन नॉट इक्वल ई की पावर माइनस लैम्डा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फाइनली आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का इक्वेशन मिल गया, एन इक्वल एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जहां एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एन नॉट क्या है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट है लैम्डा, और टी है आपका टाइम। क्लियर? तो आपको फाइनली इक्वेशन मिला एन इक्वल एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। क्लियर है? अब ये तो था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अभी हम लोग बात करेंगे एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ पीरियड की, ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की। बेसिकली हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता क्या है, देखो जैसे सपोज करो कि मैंने आपको कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दे दिया, यूरेनियम दे दिया, 100 ग्राम यूरेनियम मैंने आपको दिया, तो सोचो इस 100 ग्राम यूरेनियम के न्यूक्लियस से या 100 ग्राम यूरेनियम में से स्पॉन्टेनियसली हमेशा क्या इमिट होगा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट हो रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट होगा तो उसका मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही, रिड्यूस होगा। तो कितने टाइम में वो रिड्यूस होके घट के अपने इनिशियल मास का हाफ हो जाएगा। क्लियर है? सपोज करो कि आपके पास कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उसकी इनिशियल काउंटिंग एन नॉट है t इक्वल टू जीरो पे, तो कितने टाइम बाद ये जो t हाफ है ना, जिसको हम लोग हाफ लाइफ बोल रहे हैं, वो ये क्या बताता है कि कितने टाइम बाद जो
अब फाइनली जो कंसंट्रेशन है वो क्या आएगी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए। क्लियर है? तो हाफ लाइफ पीरियड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द मिनिमम टाइम नीडेड बाय अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियॉन्स। जितना उसके पास उसके न्यूक्लियस में स्टार्टिंग में न्यूक्लियॉन्स था, कितने टाइम बाद वो उसका हाफ हो जाएगा। हाफ लाइफ मतलब आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको हाफ लाइफ पीरियड का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि वो टाइम जिसमें जितने भी इनिशियली न्यूक्लियॉन्स थे न्यूक्लियस के अंदर, वो उसका क्या हो जाए, हाफ हो जाए। अच्छा, इसके जो फॉर्मूला है ना, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो अभी हमने प्रूफ किया था, बस उसी को यूज करना है। आप जानते हो फ्रॉम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्या जानते हो, डिसइंटीग्रेशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। आप क्या जानते हो जी, आप जानते हो n इक्वल n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। क्लियर है? हाफ लाइफ में क्या होता है, हाफ लाइफ में जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है, यह है फाइनल कंसंट्रेशन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन n नॉट का हाफ हो जाता है, और जो आपकी टाइम है वो बन जाती है t हाफ। क्लियर है? अब आप इन वैल्यूज को अपने इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो आप क्या करोगे, n के प्लेस पे रखोगे n नॉट बाई टू इक्वल में n नॉट, क्लियर, e की पावर माइनस लैम्डा, ये हो गई आपकी t हाफ। क्लियर है ना? अब देखो यहां से n नॉट को कैंसिल कर दो, ये मिल गया आपका 1 बाई टू e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। क्लियर है? अब थोड़ी सी लॉजिक लगाओ, इधर आपका e बेस है यानी एंटी लॉग है, तो एंटी लॉग इधर से हटेगा, तो फिर इधर आके इस साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। ई बेस हट के इधर आके क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। ये आपका लॉग 1 बाई टू इक्वल ई की ई तो हट गया, तो आपके पास बचा माइनस लैम्डा टी हाफ। अच्छा, ये लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला जानते हो, लॉग 1 बाई टू को आप लिख सकते हो लॉग 1 माइनस लॉग 2 माइनस लैम्डा टी हाफ। क्लियर है? लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। क्लियर है? लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, याद रखना लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाला टर्म हटा, माइनस लॉग ई बेस 2 इक्वल माइनस लैम्डा टी हाफ। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास टर्म आया, क्या टर्म आया, आपके पास टर्म आया लॉग ई बेस 2 इक्वल लैम्डा टी हाफ। देखो ये जो लॉग 2 है ना, इसकी वैल्यू तो हम रखेंगे, बट मैं पहले ये जो एक्सपोनेंशियल बेस है, ई बेस है, इसको 10 बेस में या ए बेस में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो उसके लिए आप याद रखना 2.303, बिल्कुल 2.303 एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा ई बेस था वो ए बेस में या नंबर बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आपका 2.303, ये लॉग 2 की वैल्यू होती है कितनी, 0.3010। क्लियर है? लॉग 2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी लैम्डा टी हाफ। क्लियर हो रहा है ना? इनको मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लो, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी 0.693, इसके आसपास 0.693, ठीक है, इक्वल में लैम्डा टी हाफ। देयरफॉर फाइनली आप हाफ लाइफ पीरियड टी 1/2 को क्या लिख सकते हो, 0.693 अपॉन में लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या होता है,
लैम्डा होता है डीके कॉन्स्टेंट, डीके कॉन्स्टेंट। तो आपने देख लिया कि आप किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जिस टाइम में उसके इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ कर देते हो वही उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। तो हाफ लाइफ आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसको नोट कर दो, क्योंकि आप इसको एक बार लिख लोगे और एक दो बार इसका रिवाइज करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें आगे एक्टिविटी वगैरह की, कि एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है। तो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? देखो, एक्टिविटी का मतलब कितना वो एक्टिव है, कितना जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। सीधी सीधी बात, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उसकी मेजरमेंट। तो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बेसिकली क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस या फिर डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस कितनी फास्ट हो रही है या कितनी स्लो हो रही है। देखो, आपने उसके लिए पढ़ा था n इक्वल n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तो रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के लिए r इक्वल r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t आप लिख सकते हो चाहो तो। मतलब वही है, रेट एक्टिविटी का मतलब हाउ फास्ट द डिसइंटीग्रेशन इज गोइंग ऑन। सीधा सीधा, हाउ फास्ट the disintegration how fast the disintegration is going on, मतलब कितना जल्दी जल्दी ये disintegration हो रहा है, यानी nucleus से nucleons बाहर emit हो रहा है, emission हो रहा है। इसके measurement को हम क्या कहते हैं? activity of radioactive nucleus। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? बेक्यूरल, याद रहेगा, हेनरी बेक्यूरल साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसका जो SI यूनिट है वो क्या है? बेक्यूरल। तो बेक्यूरल इज द SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। क्लियर? तो आपको एक्टिविटी समझना आ गया। देखो, इसके बाद आपको जो समझना है ना वो मास डिफेक्ट समझना होता है, कि मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखलाने वाले हैं इन वीडियोस के अंदर। क्लियर है? तो मास डिफेक्ट अब हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले हमने देखा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद जाना हाफ लाइफ पीरियड, फिर बात किया एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन की कितनी एक्टिविटी है, मतलब वो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। देखो, ये सारा कुछ कहां से हो रहा है? न्यूक्लियस से। और जब न्यूक्लियस में से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल इमिट होगा या फिर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होगा तो भाई मास डिफेक्ट भी वहां जनरेट होगा, यानी न्यूक्लियस के मास में कुछ चेंजेस वगैरह आएगी। तो वो कैसे होगी उसकी बात करेंगे मास डिफेक्ट के अंदर। देखो, मास डिफेक्ट को समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि हमने कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लिया है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लिया है, और इस न्यूक्लियस के अंदर मान लो कि आपके पास प्रोटॉन है P और इसके पास न्यूट्रॉन है N। प्रोटॉन कितना है भाई? P है, और न्यूट्रॉन आपके पास है N। अच्छा, आपको एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का मास लगभग आपको पता होगा 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, लगभग इतना मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मैं आपसे ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो इसके अंदर ना कितने प्रोटॉन है। तो पार्ट वन वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ना, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा न्यूक्लियस का, बेसिक का। उसके बाद ये वीडियो आपको और भी अच्छे समझ में। क्लियर है? तो देखो, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होता है ना वो उसका एटॉमिक नंबर डिनोट करता है। तो एटॉमिक नंबर जो है जेड, वो उसका क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो भाई किसी भी न्यूक्लियस को, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को मैंने लिया होगा,
कोई भी न्यूक्लियस में लूंगा तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो अगर मैं केवल मास ऑफ प्रोटॉन को लिखना चाहूं, मास ऑफ प्रोटॉन को लिखना चाहूं मैं, तो आप कह सकते हो कि सर मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब एक मास, एक प्रोटॉन का जितना मास है उसको आप एटॉमिक नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो जेड एम पी अगर मैंने लिखा है तो मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन के मास से मैंने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब मैं बात करूंगा मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो देखो ये होता है एटॉमिक मास या मास नंबर, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, यानी उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका a माइनस जेड, यानी उसके मास में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे, और माइनस करने पे जो आएगा वो हमारा क्या बताएगा, mn, mn का मतलब उतने न्यूट्रॉन हैं और उसको मैंने mn से मल्टीप्लाई किया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मैंने मास ऑफ न्यूट्रॉन से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? तो ये आपका प्रोटॉन का मास हो गया, ये आपका न्यूट्रॉन का मास हो गया। क्लियर है ना? ये इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन है, ये इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और मैं मान लेता हूं कि इस न्यूक्लियस का जो मास है ना, पूरे न्यूक्लियस का मास वो मैं मान लेता हूं कैपिटल एम एन, ये है पूरे न्यूक्लियस का मास। क्लियर है? तो देखो रूल क्या कहता है कि अगर आप इंडिविजुअल मास लेते हो, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, समझ रहे होगे बात आप, कि भाई प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास आप बोलोगे कि जेड एम पी, क्लियर, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड इंटू एम एन, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम एन। तो ये प्रोटॉन का मास ले लिया, न्यूट्रॉन का मास ले लिया, अलग अलग दोनों को ऐड कर लिया, और उसमें से न्यूक्लियस के मास को कर दिया हमने माइनस। तो इससे जो आपके पास सब कुछ सब्ट्रैक्ट करके जो मास रेसिड्यू यानी बच जाती है उसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। तो आपको मास डिफेक्ट समझ में आ गया होगा कि मास डिफेक्ट बेसिकली वो डिफरेंस है जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अलग अलग निकाल के सम कर लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं होल मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को। तो उससे जो आपके पास बच के आती है वो क्या आती है, मास डिफेक्ट। क्लियर है? तो मास डिफेक्ट आपने समझ लिया। इन वीडियोस के अंदर आज ये जो न्यूक्लियस का पार्ट टू वीडियो रहा, इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। हमने बात कर लिया हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, हमने बात कर लिया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में, और साथ ही साथ हमने बात कर लिया मास डिफेक्ट की। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व होता है मास नंबर के साथ उनकी भी बात करेंगे। तो मैं ऐसा आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने न्यूक्लियस का पार्ट वन वीडियो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज नहीं देखी है तो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत ही फास्ट रैपिड वे में और अच्छे तरीके से करने के लिए उन वीडियोस को आप देखिए, और जिन्हें भी उसकी जरूरत हो उसको आप जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।